बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी कंपनी का टी बिल एक्सेल में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टी बिल बना हुआ है, हम इसी टी बिल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है उस कंपनी का नाम लिख लेंगे, उसके बाद आप जिस मंथ का आप टी बिल बना रहे हैं आप उसका यहाँ पे नाम लिख लेंगे मंथ का, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टी बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। उसके बाद ये उसका परफॉर्मा है, आप इस परफॉर्मे को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है। तो हमारे पास जो इसमें सबसे पहला कॉलम है वो सीरियल कॉलम है, दूसरा हमारे पास है डेट कॉलम। अब उसके बाद हमारे पास ये जो टी हमारे ऑफिस में हमारे एम्प्लॉयज ने जितनी टी विजिटर ने यूज की है पी है, अब आप उसके लिए ये कॉलम जो है मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉयज जो वर्कर होते हैं, उसके बाद हमारे पास ये ऑफिस ऑफिस स्टाफ जो आपका होता है, उसके बाद विजिटर्स, और फिर आपके पास जो है एम्प्लॉय ओवर टाइम। अगर वो कोई ओवर टाइम जो है करते वक्त चाय पीते हैं तो आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब डेट में आप उसकी डेट लिखेंगे जिस डेट को चाय आपकी आई है, उसके बाद आप जितने कप आए एम्प्लॉयज के लिए आप वो यहाँ पे डे वाइज जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह ऑफिस में ऑफिस स्टाफ के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद विजिटर अगर कोई आए हैं तो आप विजिटर के लिए जो चाय मंगवाएंगे आप उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके एम्प्लॉयज ने कोई ओवर टाइम किया है तो ओवर टाइम के दौरान जो उन्होंने चाय पी है वो भी आप इस कॉलम में यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये एक टोटल कॉलम है, बेसिकली ये आपके पास जितनी चाय पी गई है, जिस तरह आपके अगर एम्प्लॉय ने पूरे मंथ में जितनी चाय पी है, स्टाफ ने आपकी विजिटर और जो है ओवर टाइम कितना हुआ है वहां उस वक्त कितनी चाय पी है, तो आप यहाँ पे जाके उसके टोटल कप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो है सम फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पे हमने सम फॉर्मूला लगाया है, इक्वल साइन सम, जहां से आप इसको जो है सम करना चाहते हैं वो सेल आप सिलेक्ट कर लेंगे, और जहां तक करना चाहते हैं आप उस सेल को भी यहाँ से सिलेक्ट करके और एंटर कर देंगे। इसी तरह आपके पास जो है ऑफिस स्टाफ के लिए जो चाय है उसके लिए भी इसी तरह आपने सम लगा लेना है, विजिटर के लिए भी और आपने एम्प्लॉय के लिए भी टोटल जो है कप अगर फाइंड करने हैं कैलकुलेट करने हैं तो आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद लास्ट पे आपके पास आता है ये जो रो है, ये बेसिकली हमारे पास अमाउंट यानी कितने अमाउंट की चाय पी गई है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल कप जो है वो 130 आए हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये जो एम्प्लॉई ऑफिस उसके बाद विजिटर और फिर एम्प्लॉई जो ओवर टाइम है इन सबको यहाँ पे प्लस किया गया है तो उसके जो है हमारे पास टोटल कप जो बने हैं वो 130। अब यहाँ पे आपके पास रेट आएगा कि कितने रुपए का जो है ये कप जो है उसकी क्या रेट है, क्या प्राइस है। यहाँ पे आपके पास जो चाय का कप है वो कितने रुपए का है, वहां यहाँ पे आप उसकी प्राइस लिख लेंगे और यहाँ पे आप इन जो कप है टोटल कप को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल उसकी अमाउंट आ जाएगी यानी पूरे महीने में कितनी चाय पी गई है। तो इस तरह आप जो है किसी भी ऑफिस का या किसी भी कंपनी का टी बिल इजीली मेंटेन कर सकते हैं।